हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी पुलिस, रेलवे, आरपीएफ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, इसको दबा करके चैनल के साथ में जुड़ जाइए। उस घंटी के आइकन को कर लीजिए ऑन, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है? ए बी का बेटा है जबकि बी ए का पिता नहीं है। बी की बहन सी का बेटा डी है और बेटी ई है यदि एफ डी का मामा है तो। ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आपको बताने हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। लाइन पढ़नी है सबसे पहले हमें और फिर उसको देखना है, फैमिली ट्री बनाना सीख लेंगे, ठीक है। ए बी का बेटा है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पर हम आते हैं, बी जो है, बी का बेटा कौन है? ए। ए बी का बेटा है और यहाँ पे ये भी बताया गया बी जो है ए का पिता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी ए की माता हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा था कि बी जो है वो ए का पिता नहीं है, तो इसका मतलब बी क्या है? बी ए की माता है, ठीक है। यहाँ तक तो चीज़ क्लियर हो गई ना। नेक्स्ट देखते हैं पढ़ के, नेक्स्ट क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है बी की बहन सी का बेटा डी है। बी की बहन सी का बेटा डी है, इसका मतलब क्या हुआ? बी की बहन सी का बेटा डी है। यार ये एडजस्ट ही हो पा रहा। देखिए यहाँ पे बी की बहन सी का बेटा डी है और बेटी ई है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा था बेटा डी है और बेटी ई है यदि एफ डी का मामा है तो। देखिए पूरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, अगर एफ डी का मामा है तो। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ हमें पता चल गया, बी का बेटा ए है, बी की बहन सी है और सी का एक बेटा डी है और बेटी ई है, ठीक है। और ये अगर डी का मामा है, यानी डी का अगर ये मामा है तो ये सी का भाई हो जाएगा। सी का भाई क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये इसका बेटा है और ये इसका मामा है, तो इसका मतलब ये इसका भाई हो जाएगा। अगर ये इसका भाई होगा तो ये इसकी बहन है, तो ये इसका भी भाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सारे रिलेशन हमारे फाइंड आउट हो गए। अब ये अगर हमारे सब कुछ हो गए हैं, ये इसका मामा है तो इसका भी मामा होगा, क्योंकि ये इसका इसकी बेटी है, ठीक है, इसका भी मामा होगा। प्लस ये इसका बेटा है ए बी का, तो ये इसका भी मामा होगा। तो हमारे पास सारे के सारे रिलेशन आ गए हैं। अब जो भी क्वेश्चन ये पूछेंगे वो हम इजीली बता सकते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। एफ के कितने भतीजे हैं? तो एफ के देखिए कितने भतीजे हैं। एफ का एक तो ये भतीजा हो जाएगा, ये वाला ए, ठीक है, और दूसरा आपका ये हो जाएगा डी। तो दो भतीजे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि ई भी तो है, ई भतीजी है, भतीजा नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इन्होंने पूछा सिर्फ भतीजे कितने हैं, तो भतीजे दो हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट बी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में पूछा है ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। अब देखिए ए यहाँ पे है, ये इसका बेटा है, ये इसकी बहन है और डी इसका बेटा है, तो दोनों बहन हैं ये और ये इनके बच्चे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? कज़न सिस्टर, यानी कि रिश्ते में भाई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिश्ते में भाई, कज़न सिस्टर, वो सॉरी कज़न ब्रदर, ये हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है ई का एफ से क्या संबंध है, ई का एफ से क्या संबंध है। देखिए ई यहाँ पे है, ठीक है, और एफ ये है, एफ इसका भाई है और ये इसकी बेटी है, तो ये क्या हो जाएगी? ये इसकी भांजी हो जाएगी, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। यार आप लाइक वाइक बहुत कम करते हैं, तो यार लाइक का बटन दबा दिया करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो देखिए, अगर पसंद आती है और समझ में आता है तो ये आपको करना चाहिए। ये चीज़ आप करते हैं तो इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है, ठीक है। इससे पता चलता है कि वीडियो आपको कैसी लगी। कुछ से कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे अर्निंग नहीं होती है, कसम से यार इससे कोई पैसे नहीं मिलते हैं। मैं आपसे बस यही चीज़ बता देना चाहता हूँ। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि आपको तो बहुत पैसे मिल रहे होंगे इससे, लाइक से, तो लाइक से पैसे नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको दे दिया जाएगा यही, और इसमें पूछेंगे कि ऊपर वाली लाइन से जो ये है इससे कौन सा मतलब रिलेशन सही बैठ रहा है इन चारों में से, ठीक है। तो देख लेते हैं,
दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति पुरुषों, पिताओं तथा वकीलों के बीच संबंध दर्शाता है? पुरुषों, पिताओं और वकीलों, देखिए चीज़ें आपको लग रही होगी कोई रिलेट नहीं है, पर पुरुष और पिता तो रिलेट करते हैं ना, पुरुष और पिता रिलेट करते हैं और वकील भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है। और रिलेशन वाले आकृति कितनी है इसमें, ये तीन, ये रिलेशन वाली आकृति नहीं है तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको करने का बेस्ट तरीका यही होता है, जो नहीं होता है उसको हटा देते हैं, ठीक है। ये मैंने कब बताया, ये तब होगा जब एक चीज़ दूसरे पे कम्प्लीटली डिपेंड हो या कम्प्लीटली हो, उससे कम्प्लीट बनती हो या किसी चीज़ में से दूसरी चीज़ बनती हो और वो दूसरी चीज़ से के बिना बन ही नहीं सकती, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसा तो कुछ नहीं है कि पुरुष और ये और वकील तीनों एक चीज़ एक दूसरे पे कम्प्लीट डिपेंड हो। बचे हमारी ये दो, अब इन दो में डिस्कार्ड ये भी होगा, ये क्यों होगा? अब यहाँ पे पुरुष और पिता तो बिल्कुल रिलेट करते हैं ना। अब देखिए अगर कोई पिता होगा वो पुरुष तो होगा ना, ठीक है, तो कम्प्लीटली डिपेंड है कौन, ये एक दूसरे पे, एक दूसरे पे नहीं है। पिता जो है वो कम्प्लीटली पुरुष होगा, अगर किसी को पिता कहा जाएगा वो पुरुष तो होगा ना, ठीक है। वो फीमेल मेंबर तो नहीं हो सकता कि किसी को फीमेल होगा और वो पुरुष उसे पिता कह देंगे, पिता तो इसका मतलब ये पिता हो गया, ये फिर इसके ऊपर को पुरुष हो गया, और पिता पुरुष कोई इन दोनों में से वकील हो सकता है, तो इसका मतलब इन्होंने आधा इसलिए ये काटा है, ठीक है। तो पिता पुरुष और वकील के लिए इन्होंने आधा काटा है, तो इसका मतलब आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ये वाला राइट नहीं होगा, ये सब कट जाएंगे। आशा करता हूँ कि आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि आप आंसर 100% सही लगाएंगे अगर ऐसे करेंगे। डायरेक्ट आप आंसर की तरफ जाएंगे तो आप इसको भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपने डायरेक्ट आंसर चूज़ करना है। अगर आप डायरेक्ट आंसर चूज़ नहीं करते हैं तो ये इसको डिस्कार्ड किया मैंने, फिर इसको डिस्कार्ड किया, इसको भी डिस्कार्ड किया, राइट आंसर ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको कैसे करना है, लूप संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें रिलेशन ये हमें फाइंड आउट करना है, तो कुछ ना कुछ या तो इसका रिलेशन होगा या इसका रिलेशन होगा या इनका रिलेशन होगा, ठीक है। तो बाहर का रिलेशन वो हमें फाइंड आउट करना है कि रिलेशन है क्या, क्या चल रहा है इसके अंदर कि ये यहाँ पे बीच में आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जो इसमें चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप इसे खुद भी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। स्टार मैंने लगा दिया है, आंसर बताइएगा कि स्टार वाले क्वेश्चन का ये आंसर था, ठीक है। प्लीज़ यार कमेंट भी कर दिया करें ना आप, तो इससे पता चलता है कि हाँ आप कमेंट वमेंट करते हैं, देखते हैं वीडियो को कहाँ तक देखिए, कुछ पता चलता है इससे, आप कुछ करते ही नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की है, दोनों को प्लस किया है तो 26 बन जाएगा। देखिए पाँच चौक 20 और 3 दूनी 6, 20 और 6 26, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब यानी कि ये निकल के आ गया। इसी तरीके से 8 चौक 32 और 6 पंजे 30, 32 और 30 कितना हो जाएगा 62, ठीक है। उसी तरीके से आपका ये हो जाएगा 8 24, ठीक है, और 7 पंजे 35, और दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 59, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 59 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो की तो आप जितनी प्रैक्टिस कर ले उतना अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन एक दो तो ज़रूर आना है इस टाइप का भी। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसमें से आपको निकालना है ओड वन, यानी कि इनमें से अलग कौन सा है, ठीक है। इनमें जो चारों में से एक अलग होगा वो आपको निकालना है। सांस लेना, सीटी बजाना, गाना, चिल्लाना, इसमें अलग आपको क्या नज़र आ रहा है, तो इसका भी आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। और इसका आंसर आप बताइएगा हैज़ लगा के कि इसका आंसर हैज़ वाले का ये है, ठीक है। तो देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे, सांस लेना, सीटी बजाना, गाना, चिल्लाना, सांस लेना कैसा कार्य है, एक सांस लेना एक ऐसा कार्य है आप खुद नहीं करते, वो ऑटोमेटिक होता रहता, आप सोते हैं तब भी होता है, ठीक है। सीटी बजाना एक ऐसा कार्य है कि आप बजाएंगे तो बजेगी, अदरवाइज नहीं बजेगी। गाना गाना भी एक ऐसा कार्य है कि आप गाएंगे तो गा लेंगे, जब चाहेंगे रुक जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि जैसे सांस है चलता रहेगा, इसको तो आप रोक नहीं सकते, रोक दे तो समझिए रुक ही जाएंगे। चिल्लाना भी एक ऐसा कार्य है, आपका चिल्लाएंगे, अपना आवाज़ निकालेंगे तो चिल्लाएंगे, अदरवाइज नहीं चिल्लाएंगे। मतलब बोलने का ये है कि ये वाला इसमें ओड वन आउट है, मतलब कि ये अलग है, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है कि जो कंटिन्यूसली चलता रहता है और जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। और इन पे सभी पे आपका कंट्रोल है, गाना गाना, सीटी बजाना, चिल्लाना, तो ये तीनों अलग हो जाएंगे और ये अलग हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
मतलब आप ना ये चीज़ें जब भी सोचते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो आपको अपने डेली लाइफ और ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही कंसंट्रेशन करते हैं ना, कि डायरेक्ट क्वेश्चन को ही पढ़ लूँ और उसमें से ही आंसर निकाल दूँ, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्वेश्चन को बाहर निकालिए अपनी ज़िंदगी में, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसको बाहर निकालने के बाद एक वाइड माइंड में सोचिए कि यार ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तब उसको आप आंसर सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज आप ज़्यादा घुस जाते हैं ना क्वेश्चन में कई बार, और बहुत इजी सा क्वेश्चन भी बहुत लेट होता है या फिर होता ही नहीं, तो वो काम नहीं करना है आपको, ठीक है। एग्जाम में बिल्कुल फ्री माइंड से ऐसे सोचना है कि जैसे भाई जो होगा होना तो वही है, फ्री माइंड से रिलैक्स होकर क्वेश्चन को करिएगा, आंसर बहुत सही होता है, ये मतलब फैक्ट है ये सब कुछ, ठीक है। एक देखिए आपका ये क्वेश्चन है, इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, चार ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं इसका भी आंसर, ठीक है, डबल स्टार लगा के कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसको इन्होंने क्या किया है, देखिए इसमें थोड़ा सा अगर रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो रिलेशन नहीं फाइंड आउट होता है, तो हमने इसको दो भाग में तोड़ दिया। ये भाग क्या कहता है कि इनका डिफरेंस दो दो का है, और ये भाग क्या कह रहा है इनका डिफरेंस चार का है, तो नेक्स्ट चार वाला डिफरेंस कौन सा होगा इन चार ऑप्शन में से, देख लीजिए 18 होगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 18 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपकी समझ में आ जा रहे होंगे, ठीक है। देखिए एक ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका, इसमें आपको बतानी है यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, कौन सी ये इनमें से इमेजेस जो है ये सेट होगी, तो इसमें भी आपको देखना है ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना है, ऑप्शंस को हटाना है, जो नहीं हो सकता उसको हटा देना है और जो हो सकता है वो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। शुरू करते हैं इससे। अब मुझे ये बताइए, थोड़ा सा तो पहले सोचना पड़ेगा, एक ऐसा बना लीजिए माइंड में ही, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक ऐसे बनाइए, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, कोई एक ऐसी आकृति चाहिए जिसमें ये चीज़ तो हो, ठीक है, ये वाली, और आपका ये वाला मतलब जो ये एरो का चिन्ह है ये ऊपर को होना चाहिए। तो अब इसमें देखिए, अगर आप इसको ऐसे भी मोड़ते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये वाला सेट हमारा, ये जो बोला है मैंने, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये बीच में ये आ गया है, थोड़ा सोचिएगा, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरे वाला अगर इसको रखा जाए यहाँ पे, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे अगर इसको रख दिया जाए तो ये वाला सेट बैठ रहा है ना, ऐसे बन जाएगा और ये एरो भी बन जाएगा और ये भी ऊपर बिल्कुल सही है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका बी निकल के आ गया, वैसे तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ, बाकी आगे के भी चेक कर लेते, ये भी नहीं हो सकता, ये उल्टा रखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे मोड़ भी लें तो ये वाला पोर्शन इसका नीचे आ जाएगा, ये वाला ऐसे, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, फिर ये वाला भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वाला पोर्शन इसका ये देखिएगा ये किधर आ जाएगा, अगर हमने इसको ऐसे भी रख लिया तो ये वाला पोर्शन इसका इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आप ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आशा करता हूँ कि ये आकृति वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो ये फिल इन द ब्लैंक वाले हैं जिसमें आपको भरना होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जितने प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके समझ में आएंगे, अदरवाइज एक दो क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, वो तो मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, आपको कोई भी बुक से या फिर जितनी भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं इजीली आप इनको कैच करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में था इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा, वीडियो कैसी लगती है अपना कुछ बताया करें कमेंट करके, कि हाँ वीडियो ऐसी लगी मुझे, ख़राब लगी, मेरे को समझ में नहीं आया, तो उससे मुझे पता चले कि मुझे क्या कहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।